अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। व्यूअर्स, आज मैं माश की दाल और बड़ा गोश्त बनाने जा रही हूँ। इसके लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए वो भी मैं आप लोगों को साथ साथ बताऊँगी। इससे पहले अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम इसमें उबाइल किया हुआ गोश्त और माश की दाल डालने लगे हैं। घी में मैंने गोश्त और माश की दाल दी है। अभी बस इसमें मैंने गोश्त, माश की दाल घी में डाल दी है और इसको अच्छे तरीके से हलाया। अब हम इसमें ये लाल मिर्च, हल्दी और नमक, काली मिर्च, ज़ीरा अच्छे तरीके से डालने लगे। बस मैंने इसमें सारी चीज़ें डाल दी है, अब हम इसको अच्छे तरीके से हलाएंगे। जी व्यूअर्स, अब हम इसके ऊपर प्याज ऐड करेंगे। सारी चीज़ें हमने डाल दी है। हम इसमें एक कप पानी का डालेंगे ताकि ये हमारी दाल और प्याज अच्छे तरीके से गल जाए। अब हम इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। जी व्यूअर्स, अब हम ढक्कन उठाएंगे। ये देखें, हमारी दाल उबाइल होना शुरू हो चुकी है और अब हम इसके ऊपर फिर ढक्कन दे देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से हमारी दाल उबाइल हो जाए और ये पानी सूख जाए। बस हमारी दाल तैयार हो चुकी है, घी ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। मैंने इसमें लहसुन डाल दिया है, अब इसको अच्छे तरीके से हलाएंगे और इसको थोड़ा देर दम पे रखेंगे। जी व्यूअर्स, हमारी माश की दाल तैयार हो चुकी है। आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।